We'll be right back.
अपने अमित पोपट करके दो बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस विभाग में तरुण वर्ग सबसे ज़्यादा तरुण वर्ग इस विभाग में हमारे पास है, और इसीलिए जो आपको ये उत्साह का वातावरण दिखाई देता है, तो इसीलिए उत्साह का वातावरण है। तो आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे जितने हैं 90% सब युवक वर्ग है, तो इसलिए अपने आप युवक वर्ग जहाँ पे होता है वहाँ पे उत्साह का वातावरण तो होता ही है ना। जन्माष्टमी के दिन जैसे तिलक जी ने सबको इकट्ठा करने के लिए ये जो महोत्सव अपने गणेश जयंती और ये जब जैसे किया है, वैसे उन्होंने कहा था कि हर विभाग में ऐसे उत्सव होना जरूरी है जो धार्मिक उत्सव है। तो धार्मिक उत्सव इसीलिए नहीं कि धर्म के नाते किसी को तकलीफ देना, लेकिन अपने धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसका अपने वातावरण निर्मित करके उनको सबको साथ लेके चलने के लिए उन्होंने ये सब अरेंज किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों ने काफी अच्छे प्रोग्राम किए, तो उसकी तैयारी जो मैंने कहा ना कि ये जो गणेश राणे और अपने अमित पोपट इन दोनों ने यहाँ पे इतनी अच्छी तैयारी करके रखी है, और उन्होंने ऐसे ही नहीं कि खाली युवक लोगों को ही अपने साथ लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि जो हमारे एक छोटी बच्ची ने दिखाया कि गर्भाशय में बच्ची की जान कैसे लेते हैं, तो इन लोगों ने एक अलग सा वातावरण निर्मित की है कि बच्चों के लिए भी लड़का और लड़की इसमें फर्क नहीं है, दोनों एक ही साथ है और सबको समान हक मिलना चाहिए, और लड़की का भी हक है कि हम यहाँ पे अच्छी तरह जिए और हमारी जो गर्भाशय में जो मृत्यु होती है वो कृपया ना करें। इस बार हमें यही अवेयरनेस हम लोगों ने दिखाया जो बच्चियों के लिए अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, और दूसरा ये भी दिखाया अपने समाज में समानता होनी चाहिए, और हमारा युवक वर्ग यहाँ पे इतना एक्टिव है, तो उन लोगों ने धार्मिक सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक शैक्षणिक सभी क्षेत्र में बच्चे काम कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में काम करके अपने सबको साथ चलने का है और विश्व जी माझे घर ऐसे उनको दिखाने का है। हमारा 1.5 महीने से पूरी तैयारी चालू है, सब बच्चों लोग सब पूरे जिले में 1.5 महीने से पूरा प्रोग्राम चालू है। यहाँ पे आप उपस्थिति देख रहे हो, यहाँ के सब जनता के नागरिकों की भारी मात्रा में उपस्थिति है, तब से हम 150 मंडल सुबह से आ चुके हैं यहाँ पे। बस एकत्र होके ऐसे ही प्रोत्साहन दे सबको, युवा आगे बढ़े, महिलाओं का वर्चस्व आगे बढ़े, यही है। आगे अभी गणेश चतुर्थी आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, युवा पीढ़ी एक साथ चलेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रोत्साहन करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पर सर्व गोविंद पथक लो शुभकामनाएं। Yeah.
तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है सिडनी में। इस जगह पे अपना राष्ट्र और युवक कांग्रेस की तरफ से मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ और युद्ध को ज्यादा करके युद्ध अली को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ क्योंकि दर साल से ये कार्यक्रम होते रहता है। एक टाइम में भी जयेंद्र पाटिल भी आए थे और अगले टाइम में भी बहुत सारे जन आ जाएंगे और हमारी सरकार जरूर आ जाएगी। कैसा लग रहा है आपको उत्साह देख के यहाँ पे? दर साल का एकदम उत्साह रहता है मिला और बड़े पहलों में हो जाते और सुरक्षित है के कारणों से क्या तरह से उपाय? यहाँ पे हमारे मुंबई पुलिस के अपने कांदिवली पुलिस थाने के बहुत सपोर्ट किए, ट्रैफिक वाले ने भी बहुत सपोर्ट किए और बीएमसी वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया हमारे लिए, उनका मैं धन्यवाद मानता हूँ ऐसे हमको सपोर्ट करिए। और यहाँ की जनता को संदेश और शुभकामनाएं क्या देना चाहिए? ऐसे ही जल्लोषा होना चाहिए यूथ लोग का और कभी ये ना अपना हाईकोर्ट से कुछ ऐसा ऑर्डर आना नहीं चाहिए, यूथ लोग को जैसा मराठी लोग का संघ है होना चाहिए। जो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार सबको पूरे देश को और यहाँ के लोगों को सर्वानला जन्माष्टमी हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।